खबर रीवा से है, जहां पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने विधान्य क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से पहले 200 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। दमोह के बाद रीवा मध्य प्रदेश का ऐसा दूसरा 220 केवी वोल्टेज लेवल का सब स्टेशन है, जहां मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रचलित रेटिंग के स्थान पर विशेष डिजाइन से निर्मित इस ट्रांसफार्मर को स्थापित किया है। गत दिवस रीवा स्थित 220 132 केवी सब स्टेशन सिलपरा में प्रदेश के दूसरे 200 MVA क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया गया, जिससे रीवा जिले की ट्रांसमिशन कैपेसिटी में उल्लेखनीय है वृद्धि के साथ रीवा के ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता में भी बढ़ोतरी हुई है। कम जगह में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता परीक्षण एवं संचार सतना श्री एस वी वजे ने बताया कि रीवा क्षेत्र में विश्वसनीय एवं सतत विद्युत ट्रांसमिशन के लिए सब स्टेशन में क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हुई, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सिलपरा रीवा में विशेष डिजाइन से तैयार करवा कर 200 MVA क्षमता का यह ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। अधिक क्षमता के साथ यह ट्रांसफार्मर प्रचलित 160 MVA क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के सेटअप में भी स्थापित हो जाता है, जिससे कम जगह में अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जा सकता है। रीवा जिले की ट्रांसमिशन कैपेसिटी में हुई बढ़ोतरी, श्री वजे ने बताया कि इस क्षमता वृद्धि से सिलपरा रीवा की स्थापित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 220 केवी साइट से 160 MVA से बढ़कर 360 MVA की हो गई, जबकि रीवा जिले की कुल स्थापित क्षमता अब बढ़कर 220 केवी साइट 680 MVA तथा 132 केवी साइट 690 हो गई है। 8 अतिथि उच्चवाद सब स्टेशनों से रीवा जिले में होता है। विद्युत ट्रांसमिशन मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी रीवा जिले में 8 अति उच्च दाब सब स्टेशन के मध्य से विद्युत ट्रांसमिशन करती है, जिसमें से 220 केवी के दो सब स्टेशन, जिसमें सिरमौर और सिलपरा रीवा तथा 132 केवी के 6 सब स्टेशन रीवा सागर मनगवा मऊगंज अतरैला एवं कटरा सब स्टेशनों के माध्यम से जिले में विद्युत ट्रांसमिशन करती है।